हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए मैथमेटिक्स चालू हुआ है और इसमें हम लोग देख रहे थे वेक्टर एनालिसिस। क्या देख रहे थे? वेक्टर एनालिसिस। और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग देख रहे थे दासगुप्ता से। फिलहाल अभी हम लोग क्या करें, थ्योरी दासगुप्ता से पढ़ रहे और लालजी प्रसाद दोनों का थ्योरी सेम ही होगा। दासगुप्ता की थ्योरी और लालजी प्रसाद की थ्योरी दोनों सेम होगा। थोड़ा दासगुप्ता में डिटेल्स देता है, इसमें शॉर्ट दिया हुआ है, तो दोनों बुक से हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि क्या क्या हुआ है। ये बीएससी देखिए पार्ट वन सेमेस्टर वन के लिए, ठीक है। और जो बुक चालू हुआ है उस बुक का नाम है, चालू देखिए हुआ है वेक्टर एनालिसिस। ठीक है, और वेक्टर एनालिसिस में हम लोग क्लास ले चुके हैं, बहुत सारा क्लास हो गया है। इसमें एक हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक का नाम है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर ना, तो मतलब सदिश का हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं और दोनों है लालजी प्रसाद और दासगुप्ता के बुक से पढ़ रहे हैं। इसमें दो देखिए, तीसरा पहले तो वन है, ए तीसरा बुक चालू है। पहला आपका देखिएगा, इसको मान लीजिए थ्री बुक चालू है। पहला बुक हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़े हैं और यह लालजी प्रसाद के बुक से हम लोग कंप्लीट किए हैं, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल। और दूसरे में हम ट्रिगो पढ़े हैं, तो ट्रिगो का जो है वो लालजी प्रसाद क्या होना चाहिए प्लस दासगुप्ता के बुक से पढ़े हैं। लालजी प्रसाद प्लस दासगुप्ता के दोनों बुक से हम लोग क्या पढ़े हैं, ट्रिगो पढ़े हैं। और तीसरा जो बुक चालू हुआ है फिलहाल वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें भाई। और चालू करते हैं वेक्टर एनालिसिस, जिसमें हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर। आज हम थ्योरम पढ़ाएंगे और जो थ्योरम आता है पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। जो भी हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे वो पूरा वीवीआई थ्योरम है, समझ लीजिए। और ये पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में इस थ्योरम से पक्का है कि एक न एक पूछेगा। चार पांच छह थ्योरम हम पढ़ाएंगे, लगभग छह सात को पढ़ाएंगे, जिसमें एग्जाम में एक पेपर में पूछा जाएगा पक्का। तो आप क्लास में कंटिन्यू बने रहे, क्लास को हम आगे चालू करते हैं दासगुप्ता के बुक से थ्योरम। देखिए पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, और थ्योरम नंबर थ्री तक कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग फोर से चालू करेंगे। दो वेक्टर का क्रॉस वाला दिया हुआ है कि दो वेक्टर का क्रॉस का अगर हम लोग कभी भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे, ई वेक्टर क्रॉस कर लेंगे और दूसरा वाले को डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बीच में प्लस होगा, और उसके बाद ई का कर लेंगे और बाद में क्या होगा, भी का होगा। लेकिन ये बात है कि अगर भी क्रॉस डी यू बाई डी टी करेंगे तो माइनस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस अगर आगे पीछे करेंगे तो निगेटिव आएगा। पहले इसको हम लोग क्या करेंगे सबसे, कि डब्ल्यू वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस क्या होगा, बी वेक्टर। वही प्रोसेस से रिलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा बी वेक्टर, ये क्या है, बी द स्मॉल, ठीक है, यही चीजें लिखा जाता है ना बार बार, तो स्मॉल इंक्रीमेंट ई किसमें, यू वेक्टर एंड वी वेक्टर, ठीक है, ये क्लियर है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंड जब अगर यू बढ़ेगा वी बढ़ेगा तो डब्ल्यू बढ़ेगा ना, यहां से लिखेंगे डेल्टा यू वेक्टर बी द इस, ऐसे नहीं लिखा जाता, इसके अकॉर्डिंग बढ़ता है ना, यही लिखा जाता है ना कि बी द कोरस्पॉन्डिंग स्मॉल ना इंक्रीमेंट इन इसमें बढ़ेगा जी भाई, इन डब्ल्यू वेक्टर, ठीक है। तो समीकरण वन जो है कैसा बनेगा, समीकरण वन क्या बनेगा देखिएगा, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे,
और डब्लू वेक्टर प्लस ना बराबर इस वाला में होगा ई वेक्टर प्लस डेल ई वेक्टर, बीच में क्या है क्रॉस वी वेक्टर प्लस डेल्टा वी वेक्टर, यही है जी। अब यहां से बात बनता क्या है कि देखिएगा ये हो गया W को हम लोग उधर ले चलेंगे तो बाद में लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो U के साथ गया V, देखिएगा पहले वाला पहले के साथ तो ये मिलेगा U क्रॉस V, बीच में क्या होगा प्लस, फिर U गया डेल V के पास तो होगा U बीच में क्या है क्रॉस डेल V, बीच में फिर क्या होगा प्लस, डेल U गया इसके पास तो डेल U वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बीच में फिर क्या होगा प्लस डेल यू वेक्टर क्रॉस डेल वी। बस बीच में क्या करना है कि अगर यू वेक्टर गया वी के पास तो बीच में क्या देते हैं क्रॉस देना है, गुना तो ही करना है, यू वेक्टर इसके साथ जाएगा तो गुना होगा लेकिन बीच में क्या होगा क्रॉस होगा, ये इसके साथ हाँ डेल यू ये देखिए अभी कर रहे हैं इसके साथ किए ना ये मिला, अब इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा डेल डेल यू वेक्टर क्रॉस डेल वी वेक्टर, बात समझ में आ रहा है। और डब्लू के हमने उधर ले गया तो क्या मिल गया माइनस, समझ में आ रहा है। अब देखिएगा यार डब्लू क्या है डी डब्लू वेक्टर बराबर इसके बदले में क्या लिखेंगे ई क्रॉस डी, ई क्रॉस डेल वी प्लस डेल यू क्रॉस वी वेक्टर प्लस डेल यू वेक्टर क्रॉस डेल वी वेक्टर माइनस डब्लू, ये बिल्कुल क्या होगा कट जाएगा, जो बच गया उसको हम लोग लिखेंगे तो डेल डब्लू वेक्टर यू क्रॉस डेल वी वेक्टर बीच में प्लस डेल यू वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डेल यू वेक्टर क्रॉस डेल, इसमें हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं ना, इसमें हम लोग क्या करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किसे डेल टी से वी है, तो चलिए भाई इसमें डिवाइड करेंगे डेल्टा टी लगाएंगे, 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 या मिला इसको हम लोग लिखेंगे डेल डब्लू वेक्टर डेल टी बराबर यू वेक्टर क्रॉस डेल वी वेक्टर बटा डेल्टा टी, बीच में प्लस होगा डेल यू वेक्टर बटा डेल्टा टी क्रॉस वी वेक्टर, बात यहाँ है कि दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही टर्म में मिलेगा तो एक ही से डिवाइड करेंगे तो ए हो गया डेल्टा ई वेक्टर बटा डेल्टा टी क्रॉस क्या है डेल्टा वी वेक्टर, ठीक है बात समझ में आ रहा है। एक चीज यहां से और बनता है कि डेल्टा डब्लू वेक्टर बटा डेल्टा टी बराबर ई वेक्टर क्रॉस डेल्टा वी वेक्टर डेल्टा टी बीच में प्लस डेल्टा ई वेक्टर बटा डेल्टा टी क्रॉस वी वेक्टर, यहां से हमने इसके डेल्टा टी मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो डेल्टा ई वेक्टर बटा डेल्टा टी क्रॉस डेल्टा वी वेक्टर बटा डेल्टा टी और इनटू डेल्टा क्या होगा टी होगा। अब हम लोग क्या करेंगे दोनों तरफ क्या लेंगे लिमिट लेंगे ना, तो यहां से लिखेंगे टेकिंग लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ऑन बोथ साइड, ठीक है चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं लिमिट लगाते हैं एल टी डेल्टा टेंडिंग टू जीरो डेल डब्लू बाई क्या होगा डेल्टा टी इक्वल टू, इसके साथ क्या लगा देंगे हम लोग लिमिट लगा देंगे, या तो सब में लगा सकते हैं या तो ऐसा काम करते हैं कि इसको बाहर करके इसमें लिमिट लगा देते हैं, या एल टी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो यू क्रॉस डेल वी बटा डेल्टा टी बीच में क्या होगा प्लस एल टी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ना इसके साथ क्या है डेल यू वेक्टर बटा डेल टी क्रॉस वी वेक्टर बीच में क्या होगा प्लस
इसके साथ भी लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ये होगा डेल यू बटा डेल टी क्रॉस डेल वी बटा डेल टी इंटू डेल यू। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा डेल टी है ना। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कंडीशन पढ़े हैं कि लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो ना, और ए होगा डेल वाई बटा डेल एक्स इक्वल टू बन जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ये आप पढ़ रहे हैं ना। अगर डेल यहाँ पे इसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज इन वाई ना, रेट ऑफ चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई में परिवर्तन हो रहा है किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष में हो रहा है, इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोला जाता है, और ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू कुछ आएगा तो इसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोल दिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। तो हमने देखा इसमें लिमिट है ए क्या बन जाएगा आपको d बाई डी टी, ये w वेक्टर, ये तो u वेक्टर रहेगा ना बाबू, ये डेल्टा t टेंडिंग टू जीरो है तो ये डेल v बाई डेल टी करेंगे तो क्या बनेगा d बीच में क्रॉस 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 टी वी वेक्टर बटा क्या आ जाएगा डी टी, बीच में क्या होगा प्लस, इसके साथ क्या बनेगा डी यू वेक्टर बटा डी टी क्रॉस क्या हो जाएगा वी वेक्टर, फिर प्लस होगा इसके साथ क्या होगा डी यू वेक्टर बटा डी टी क्रॉस डी वी वेक्टर बटा डी टी, और डेल्टा टी है तो इसका मतलब डेल्टा टी इक्वल टू क्या रखेंगे जीरो, समझ में आ रहा है ना चीजें। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो d बाई डी टी और ये w w की इक्वल टू क्या है u क्रॉस v वेक्टर, u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर बराबर, इसको u वेक्टर क्रॉस क्या रखेंगे dv वेक्टर dt बीच में प्लस du वेक्टर बटा dt क्रॉस v वेक्टर, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा जीरो। इस वाले को हम d बाई क्या लिखेंगे dt, u क्रॉस क्या है ये v वेक्टर इक्वल टू u क्रॉस dv बटा dt, और ये d u क्रॉस बटा क्या होगा dt क्रॉस v वेक्टर। चलिए बात को समझ में आ गया ना, क्योंकि चारों चीजें बहुत इजी है, और यह हम लोग क्या पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर है, और ये चल रहा है दास युक्ता से। चलिए जी आप लोग जल्दी में नोट करेंगे, आप प्लस किससे चलेंगे लालजी प्रसाद। देखिए किसी भी मैथमेटिक्स का अगर हम थ्योरी कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला पता चल जाएगा, दो ही चीजें कंप्लीट करना है, एक थ्योरी और एक फॉर्मूला डिफिनेशन होगा जो भी है। तो ये दास गुप्ता लालजी प्रसाद या किसी का बुक से केवल डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर रहेगा तो बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये समझने वाला क्या चीज है, पहले हम लोग इस वाले को मान लिए डब्लू वेक्टर इक्वल टू, और इसमें यू वेक्टर में डेल यू जोड़ दिए, और डेल वी में अरे वी में क्या करेंगे डेल वी वेक्टर जोड़ देंगे, उसी तरह से वो डब्लू भी बढ़ जाएगा। इस वाला में हम लोग डेल्टा डब्लू कर दिए, इस वाला में डेल्टा यू, और इस वाला में बाकी दो और दो क्या होगा चार क्रॉस कर लिए, क्रॉस करने के बाद हमने क्या किया कि इस वाला डब्लू को उधर ले गए तो क्या आ जाएगा माइनस, और इसके बदले में हम क्या करेंगे डब्लू समीकरण एक से रखेंगे और दोनों कट के जो बच गया उसको बचा देंगे। उसके बाद हम डिवाइड क्या करेंगे डेल्टा टी से सभी टर्म में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे एलएचएस और आरएचएस में, उसके बाद जैसे ही डिवाइड करेंगे तो लॉग ले यहाँ पे फिर से देखेंगे कि इसके पास डेल्टा टी नहीं है, हमने इसके साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बाकी हम लोग लिमिट ले लेंगे डेल्टा टेंडिंग टू जीरो ले लिए, और ये बन जाएगा जहाँ पे डेल्टा है वो बनेगा डी बनेगा, जहाँ डेल्टा है वहाँ पे डी बनेगा जब हम लिमिट को हटा लेंगे, एक फॉर्मूला ही होता है। अब आगे डेल्टा टी इक्वल टू हम जीरो रखेंगे तो जीरो रखेंगे तो टोटल क्या होगा ये बिल्कुल जीरो हो जाएगा, जो बच गया वही देख रहे हैं तो क्या है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। देखिए थ्योरम 5 है, ये पेपर में पूछता है ना,
ये लिखा रहा था टू प्रूव दैट अननेसेसरी इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर द वेक्टर फंक्शन u वेक्टर, ओके u वेक्टर ऑफ ए स्केलर है और इसका वेरिएबल क्या है t है, लेकिन यहाँ कुछ दिया हुआ है कि कांस्टेंट क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए h, दोनों का डॉट मतलब e वेक्टर का और e वेक्टर का डिफरेंशिएशन के डॉट करेंगे तो क्या होगा जीरो, तो दो वेक्टर का डॉट ही तो परपेंडिकुलर होता है ना, तो ये जीरो क्यों होगा, तो e वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होगा du बटा dv, फिर वही चीज ये बोला है कि जब परपेंडिकुलर होता है, देखिए जब दो वेक्टर का डॉट जीरो आता है तब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर में कौन सा एंगल बनता है राइट एंगल, मतलब कंडीशन क्या वो है ए पहला ए दो और तीन, तीनों का एक ही प्रूफ होता है, पहला हम लोग फर्स्ट नंबर में कौन सा सॉल्व करेंगे बताइए, इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है कंडीशन, ठीक है चलिए थोड़ा सा इसको लिख लेना पड़ेगा ले, अब बताइए ई वेक्टर है ठीक है और ई लेट ई वेक्टर का क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ मॉडुलस, किसी भी वेक्टर का अगर मोड निकालेंगे तो आप या तो मोड ऑफ ए वेक्टर लिख सकते हैं या तो ए भी लिखेंगे, ए लिखेंगे तो समझ जाएंगे कि इसका मोड निकल रहा है, अगर मोड में वेक्टर लिखेंगे तो समझेंगे क्या कि मोड ही निकल रहा है, ठीक है और इसका मान लेते हैं क्या है ए, और ए बताइए कैसा है विच इज कॉन्स्टेंट आता है, जैसे ए वेक्टर इक्वल टू आई वेक्टर टू जे वेक्टर प्लस के वेक्टर है, इसका मोड निकालेंगे या तो ए भी लिख देंगे, ए वेक्टर से हटाएंगे अगर ए लिखेंगे तो इसका मॉडुलस निकलता है और ये 1 4 प्लस क्या होगा 1, मतलब इसका 1 है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और है जोड़ेंगे तो क्या एक वेक्टर मिल रहा है क्या, नहीं तो बिल्कुल क्या मिलेगा कांस्टेंट, वही लिखा हुआ है। नंबर हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट वाला देखेंगे यहां से, पहला हम लोग कंडीशन ये देखेंगे ना, देखेंगे इफ इव इज क्या है ये कांस्टेंट है, इव क्या है कांस्टेंट, देन इसका बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा du by dt, du by dt इक्वल टू क्या होगा जीरो, अरे भाई कोई भी कांस्टेंट वाले रहता है तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो ही होता है ना, अब यहां से देखिए करना u वेक्टर डॉट क्या होगा इक्वल टू दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट करवाते हैं, जैसे a वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू क्या लिखते हैं a वेक्टर, तो इतना बराबर u स्क्वायर लिख सकते हैं जी, लिख सकते हैं ना, अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो ये dy क्या लगाएंगे dt, u वेक्टर डॉट u वेक्टर इक्वल टू क्या होगा d स्क्वायर बटा dt हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना, इसको मिटा दे, दो वेक्टर देखिए दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है, एक का डिफरेंशिएशन एक का मल्टीप्लाई में, दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको पता है कि जैसे इसको देखिएगा, जैसे यहाँ पे दो फंक्शन है y बराबर u और v, डिफरेंशिएशन पढ़े हुए dy by dx, u को बाहर v का डिफरेंशिएशन ना और v के बाहर du by dx, मतलब यही होता है कि एक का डिफरेंशिएशन एक का गुना में जो डिफरेंशिएशन होगा उसको बाहर जो बाहर है उसको अंदर, यही सेम प्रोसेस यहाँ पे लगेगा, u और दूसरा u ही है, मान लेते हैं कि एक u है और एक का मान लेंगे v, एक का डिफरेंशिएशन करेंगे एक का डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं, जैसे u का डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे पहले वाले को डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे तो दूसरा के बीच में क्या लगाएंगे डॉट लगाएंगे, तो डॉट डी वेक्टर बटा डी डी बीच में क्या होगा प्लस, अब देखिएगा इस वाले को बाहर निकाल देते हैं और इस वाले को हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, बतिया तो वही है, या तो ऐसे लिख सकते हैं डी यू वेक्टर बटा डी डी डॉट ई वेक्टर इक्वल टू
इसमें बताइए जी, x के पावर n का डिफरेंशिएशन दो आगे, ये मिलेगा 2u du बाई dv। समझ में आ रहा है ना चीजें? अब ये बताइए कि u वेक्टर डॉट du बाई dt प्लस u वेक्टर du बाई dt बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2u du बाई dt। क्योंकि दो वेक्टर का अगर हम लोग डॉट करवाएंगे, चाहे बी वेक्टर डॉट ए लिखेंगे, बात एक ही बनता है। इसको हम लोग आगे पीछे बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। चलिए आगे हम लोग देखें, इसको जोड़ सकते हैं, दोनों सेम टू सेम है, तो टू ई वेक्टर डॉट डी यू बाई डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा, टू यू डी यू बाई डी टी। ये टू से टू बिल्कुल क्या होगा, कटेगा। और ई वेक्टर डॉट क्या होगा, du by dt इक्वल टू u du by dt। थोड़ा सा बता देंगे, u वेक्टर डॉट du वेक्टर बटा क्या आ जाएगा, dt। du by dt का वैल्यू क्या है बताइए जी? अरे du by dt है ना, तो du by dt का वैल्यू क्या लिखे हैं, देखिए ना, यहाँ जीरो है, तो आप क्या रखिएगा, वहां पे जीरो रख देंगे, u क्रॉस क्या होगा, जीरो। अब इसको हम लिखेंगे u वेक्टर डॉट du वेक्टर बटा dt इक्वल टू जीरो। यही तो था कि u वेक्टर डॉट du वेक्टर बटा dt इक्वल टू जीरो। इसको डायरेक्ट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, और में बताइए, इसको लिख सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट होता है तो बिल्कुल क्या होता है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर होता है तो क्या बनता है, एंगल, राइट एंगल भी बनता है। तो फर्स्ट तो बिल्कुल आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरा कौन सा कंडीशन हम लोग देखेंगे, इस कंडीशन को देखेंगे। इस देखिए बात ऐसा है कि नेसेसरी अगर एक कंडीशन प्रूव होता है, ऐसा कभी भी देगा, एक कंडीशन प्रूव किया है ना, दूसरा कंडीशन में क्या है कि आपको जस्ट उल्टा काम करना रहता है। मतलब इधर से हम आते 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 कहां तक आ जाएंगे, U के बारे में आ जाएंगे। U क्या होना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है, जैसे U वेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिएगा यहाँ पे दिया है, U वेक्टर क्या है, स्केलर है, वेरिएबल उसका t है। उसी तरह से इसको हम जस्ट उल्टा काम करेंगे इस वाली कंडीशन में कि आना, U क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। अब कैसे आता है कांस्टेंट, तो आप इसको नोट कीजिए और दूसरा कंडीशन हम लोग पूछते हैं। पेपर में दोनों पूछता है तो दोनों लिखेंगे, अगर एक ही कंडीशन पूछता है तो एक ही कंडीशन को लिख करके आएंगे। ऐसे दोनों कंडीशन पूछ देता है ना। सिंस यू वेक्टर डॉट क्या है, डी यू बटा डी टी, यही था है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें दो से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों करेंगे कि इस फॉर्म में लाने के लिए। इसकी दो से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा, देखिए सामने यही से लिखे हैं, यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर बटा डीटी इक्वल टू जीरो लिख दिए हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए टू है ना, टू है, और इसी को फिर टू टू कट गया तो लिख दे, टू है तो यानी कि टू से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी वाले को भाग को देखिए दो बार लिखा गया है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वेक्टर बटा डी टी बीच में प्लस डी वेक्टर बटा डी टी डॉट ए वेक्टर इक्वल टू जीरो। भाई इसी को आगे पीछे तो कर सकते हैं दो वेक्टर का डॉट। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस वाले को कैसे लिखते हैं, देखिए दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिख रहा है, इस वाले को हम क्या लिखेंगे, डी बटा डी टी यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। इसी का जस्ट डिफरेंशिएशन है ये, यू को बाहर निकाला, इस वाले को डिफरेंशिएशन बीच में प्लस, इस वाले को डिफरेंशिएशन किया, इस वाले को बाहर इक्वल टू जीरो कर दिया, कोई दिक्कत। ये बताइए u वेक्टर डॉट u वेक्टर डॉट u वेक्टर इक्वल टू u वेक्टर का स्क्वायर, u का स्क्वायर होगा, इस वाले को मिटा देते हैं, बस बन तो गया जी। बताइए चलिए, इस वाले को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं dy dt, और इसको u का स्क्वायर इक्वल टू
जीरो। अब हेक्टर तो हट गया ना, तो वेक्टर हटाया तो ये क्या मिल गया आपका, कांस्टेंट ही तो मिला, तब तो डिफरेंशिएशन जीरो आया। क्या लिखेंगे, दिस सो डेट। अब बताइए यू का परिमाण हम लोग देखेंगे ऑफ वेक्टर u, वेक्टर कौन सा रहेगा u, इज क्या हो जाएंगे कांस्टेंट होगा। यही तो था मैग्नीट्यूड u लिखना, ठीक है, चल नहीं रहा है मार्कर, तो यहां पर लिखेंगे एंस दी, उसके बाद कौन सा कंडीशन है, एफिशिएंट कंडीशन, कंडीशन इज क्या होगा, हो गया ना, यही चीज आपके पास था। समझ में आ गया ये वाला, तो हम लोग जान गए नेसेसरी वाला कंडीशन से, इसको दो से मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी क्लियर हो गया, इसको तो दो भाग में लिख दिए, ये भी क्लियर हो गया, इसी का डिफरेंशिएशन ये दिया है तो ऐसे लिख सकते हैं, दो देखिए e वेक्टर डॉट e वेक्टर, तो इसको e का स्क्वायर बनेगा, और e का स्क्वायर मतलब क्या हो गया कांस्टेंट हो गया, क्योंकि वेक्टर हट गया, तो वेक्टर हटेगा तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, तो ये सब सेम कंडीशन इंप्रूव हो गया। चलिए इसको जल्दी में नोट करेंगे, देखिए पीछे वाला एक कंडीशन है लेकिन इसमें क्या है क्रॉस है ना, बात यहां बोलता है कि एक वेक्टर फंक्शन कौन सा दिया रहेगा, कोई भी एक वेक्टर फंक्शन दिया रहेगा और उसका डायरेक्शन भी रहेगा, तो हम लोग इस वेक्टर को पहले क्या करेंगे, एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्या निकालेंगे यूनिट वेक्टर, थोड़ा सा मान लेंगे उसके बाद बनाएंगे, जैसे लेट है एक जी डी, इस वाले को वेक्टर हो गया, ये क्या है डी द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा जी, ऑफ u वेक्टर t होगा। मान लेते हैं कि इस वेक्टर का अगर हम कोई एक यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो फिर भी वेक्टर देता है, तो यूनिट वेक्टर के हमने नाम क्या दे दिया g वेक्टर दे दिया, बात समझ में आ रहा है, एक लेट u वेक्टर डायरेक्शन है भाई, इसको आप समझ में आया डायरेक्शन है u वेक्टर, अच्छा इसका मोड निकालते हैं तो क्या होगा, वेक्टर से हट जाता है, क्यों हटेगा इसको समझ लेंगे थोड़ा सा ना, जैसे u वेक्टर इक्वल टू एक दे रखा है कि i वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस मान लेते हैं कि k वेक्टर, अगर इसका मोड निकालिएगा तो आपका क्या आएगा 1+1+1 यानी कि √3 होगा, यानी कि ये वेक्टर इसमें है तो मोड निकालेंगे तो वेक्टर क्या होगा बिल्कुल हट जाएगा, इतना समझ में आ गया दे। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं दो वेक्टर लेते हैं ले, या लिखेंगे सीधा u वेक्टर इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, देखिएगा u वेक्टर और एक t इक्वल टू यूनिट वेक्टर, और इस वाले को हम लोग दोनों के क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर दें u t और इनटू क्या होगा a g t आ जाएगा वेक्टर, यही होता है ना, आप इस वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं u वेक्टर बराबर क्या होगा u और g वेक्टर, थोड़ा सा t को हटा देते हैं क्योंकि s का अर्थ आपका t ही है ना, अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करने के मतलब du वेक्टर बटा कितना आ जाएगा dt आ जाएगा, इस वाले को u को बाहर निकाल देते हैं जी, u को बाहर और ये g वेक्टर होगा बटा क्या आ जाएगा dt बीच में प्लस हो जाएगा, फिर g को बाहर निकालेंगे तो u / dt और ये क्या होगा g वेक्टर होगा,
इतना काम कर लेंगे, अब थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ेंगे। नाउ ये क्या है, यू क्रॉस डी यू बाई डी टी इक्वल टू जीरो, डी यू वेक्टर बाई डी टी निकाले हैं, तो हम क्या करेंगे अब यू क्रॉस कर देंगे दोनों तरफ से, क्या करेंगे हम लोग यू क्रॉस डी टी वेक्टर बटा डी टी बराबर, इधर भी तो क्रॉस करना पड़ेगा ना, नहीं समझे? अरे भाई देख करके ये प्रूव करना है, जैसे ऊपर भी लिखा है धीरे धीरे वैसे आएंगे, अभी कोई कंडीशन को सॉल्व नहीं किया जा रहा है। कितना लिख सकते हैं यू वेक्टर बराबर कितना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यू जी वेक्टर, यहाँ से क्या लिखेंगे यू जी बटा क्या होगा डी टी बीच में प्लस डी यू बाई डी टी और जी वेक्टर, क्रॉस जानते हैं ना, अब इसके साथ अच्छा बीच में क्रॉस होगा, अब इसके साथ यू से यू गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा यू का स्क्वायर मिलेगा। चलिए तो ये हो गया यू क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी बराबर यू का स्क्वायर, यू को निरूप करेंगे यू का स्क्वायर बीच में क्या है क्रॉस है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं जी वेक्टर क्रॉस डी यू बाई डी टी बीच में फिर क्या होगा प्लस, इस वाले को क्रॉस इसके साथ करेंगे तो क्या मिलेगा यू डी यू बाई डी टी जी क्रॉस जी वेक्टर, लिख सकते हैं ऐसे। भाई देखिए भाई यू से गुणा किया इसके ना जी है, जी क्रॉस जी कर सकते हैं और जी क्रॉस जी मतलब दो वेक्टर का अगर क्रॉस कर कीजिएगा सेम टू सेम से तो जीरो आएगा, बी क्रॉस अगर बी करते हैं तो बिल्कुल क्या आएगा तो जी क्रॉस जी करेंगे तो क्या आएगा तो यू वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा डी यू बटा डी टी बराबर यू का स्क्वायर जी क्रॉस क्या आ जाएगा डी यू बटा डी टी प्लस यू डी यू बाई डी टी गुना क्या होगा जीरो, इस वाले को हम लिखेंगे यू क्रॉस डी यू बटा डी टी और इसका यू स्क्वायर जी स्क्वायर क्रॉस क्या आएगा डी यू बाई डी टी जीरो से गुणा करेंगे टोटल क्या आ जाएगा जीरो। अब इस समीकरण के हमने क्या मान लिया नंबर टू मान लेंगे, कोई परेशानी है इतना तो आप लिखिए थोड़ा सा। अच्छा ये जी है ना दे यू कैसे आ जाएगा जी दिखिएगा ना थोड़ा जी वेक्टर ना, चलिए आप इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर टी एज क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है देन लिखा हुआ है ई वेक्टर टी क्या है इसकी डायरेक्शन देखिए कॉन्स्टेंट है तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या होगा कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो देन जी वेक्टर टी बराबर क्या हो जाएंगे कॉन्स्टेंट होगा, इसका बताइए जी डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू क्या मिलेगा जीरो मिलेगा। पहले इधर से समझ लेंगे कि इस वाले डायरेक्शन वेक्टर से एक यूनिट वेक्टर निकालिएगा, इसका मोड निकालिएगा तो वेक्टर हट जाएगा, इसको देन मानेंगे इसको हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए यूनिट वेक्टर और इसका परिमाण से और इसको टी टी स्केलर दोनों तरफ से हटा देते हैं अपने सुविधा के अनुसार, नहीं तो छोड़ सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर दिए और इसके अकॉर्डिंग इधर क्रॉस के डी यू बाई डी टी आ दिए फिर क्रॉस कर दिए और यू का वैल्यू रख दिए यहाँ से, अब आगे क्रॉस करेंगे जी के साथ जी क्या आएगा जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीजें, बाकी इसको हम लोग देख लिए समीकरण दो। अब यहाँ से एक कंडीशन को लिए है नेसेसरी कंडीशन, बोलता है कि यू वेक्टर टी कैसा है आपका कांस्टेंट है तो इसका यूनिट वेक्टर भी क्या आ जाना चाहिए कांस्टेंट आएगा ना, क्योंकि अगर ए वाला वेक्टर कांस्टेंट होगा तो इसका यूनिट वेक्टर भी तो एक आएगा कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट वेक्टर के क्या आता है जीरो आता है। अब समीकरण हम लोग क्या करेंगे टू में यहाँ पे डी डी जी डी जी बटा डी टी का वैल्यू जीरो रखेंगे बिल्कुल क्या होगा जीरो आ जाएगा। चलिए समीकरण हम लोग दो से चलते हैं ना जी, तो फ्रॉम इक्वेशन क्या लिखेंगे देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन टू, टू का क्या है यू वेक्टर क्रॉस डी यू बटा डी टी
यू का स्क्वायर जी वेक्टर इनटू, चलिए बीच में प्लस है ना यू। अब बताइए थोड़ा सा यहां से है ना जी, चलिए ठीक है क्रॉस, सीधा इसका वैल्यू बता दीजिए आपकी। इस वाले को वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे। ये हो गया टोटल। अब इसको गुणा करके देख लीजिए आप, यू क्रॉस क्या आ जाएगा डी यू बटा डी टी इक्वल टू जीरो। तो पहला कंडीशन आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। पहला कंडीशन बिल्कुल क्या है, ट्रू हो गया। दूसरे कंडीशन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए सफिशिएंट कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ले उसी को जस्ट यहाँ पे यू वेक्टर क्रॉस क्या करते हैं, बराबर क्या होगा, एक तरह से जीरो वेक्टर ही आएगा ना, क्या आएगा इसका जीरो वेक्टर ही आएगा। इसके ऊपर भी जीरो वेक्टर कर लीजिएगा, अब गुणा एक दो का वेक्टर का क्रॉस आता है, ये आ जाएगा जीरो। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन हम लोग किससे चलेंगे, इस वाले से चलते हैं, समीकरण है ना दो वाला। चलिए तो फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन टू से, तो टू का समीकरण आप देख लीजिएगा क्या है, यू क्रॉस डी यू बाई डी टी बराबर यू का स्क्वायर जी क्रॉस क्या होगा बटा डी टी है ना, यही है यू क्रॉस डी यू वेक्टर बटा डी टी का मान कितना है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं जीरो वेक्टर बोल सकते हैं इसपे। और यू का स्क्वायर जी क्रॉस क्या होगा अब बटा क्या आ जाएगा डी टी, लिख सकते हैं इस वाले को ऐसे भी, यू इधर गया तो क्या में आएगा जीरो में, तो जी क्रॉस क्या आ जाएगा बटा क्या आ जाएगा डी टी इक्वल टू जी। इसको हम लोग कौन सा समीकरण मानते हैं, थर्ड वाले, कौन सा समीकरण मानते हैं थर्ड वाले, समझ में आ रहा है ना। अब बताइए क्योंकि जी वेक्टर क्या है डी टी है, इज अब इसका बताना है कि परिमाण क्या रहता है, इज ऑफ ऐसे भी किसी भी वेक्टर का अगर मॉडुलस निकालते हैं तो बिल्कुल हमेशा क्या आता है एक नंबर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टेंट बोलते हैं, एज इट इज एज इट इज अ यूनिट वेक्टर, क्या होगा अ यूनिट वेक्टर। अब इसका यूनिट वेक्टर होगा तो देयरफॉर डॉट कर लेंगे, अब बिल्कुल दो वेक्टर का डॉट कितना आ जाएगा जीरो आएगा, दो वेक्टर का डॉट क्या आएगा जीरो, और ये समीकरण कितना आ जाएगा फोर आ जाएगा, कौन सा समीकरण मान लेते हैं। अब देखिए यहां से इस वाले को और इस वाले को दोनों को मिला देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन वन क्या थर्ड है ना थर्ड, एन क्या होगा फोर, बताइए क्या लिख सकते हैं। अगर हम लोग इधर से चलेंगे तो ये जीरो में जाएगा, यहां से भी निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो में, तो केवल आपके पास क्या बचेगा और बराबर में क्या बचेगा जीरो मिलेगा, मिलेगा जीरो और वो भी कैसा मिलेगा वेक्टर में मिलेगा। अच्छा किसी भी वेक्टर का अगर डिफरेंशिएशन जीरो होता है, किसी भी वेक्टर का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो वह वेक्टर कैसा होता है कॉन्स्टेंट होता है। हमने बताया था अगर कोई भी अगर एक नंबर का डिफरेंशिएशन कीजिएगा जीरो, जैसे कॉन्स्टेंट वाले को डिफरेंशिएशन क्या होता है सीधा जीरो होता है, तो एक वेक्टर जो था जी वेक्टर लिए थे और वह यूनिट वेक्टर था और उसका ही डिफरेंशिएशन आ जा रहा है जीरो, तो जी को हम क्या बोलेंगे
बताइए जी वेक्टर क्या हो जाएंगे? कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। यही तो पूछा था, बस उल्टा काम करना है कि जी वेक्टर क्या आ जाएगा? कॉन्स्टेंट आ जाएगा। चलिए इसको लिखते हैं, तो जी वेक्टर कॉन्स्टेंट होगा तो यू वेक्टर भी क्या आएगा? कॉन्स्टेंट। कर लीजिए अब बताइए ई वेक्टर के बारे में ना। अब ई वेक्टर क्या होगा? हमेशा के लिए कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि जी वेक्टर आ गया आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट ठीक है। दूसरा भी कंडीशन हम लोग के प्रूव हो गया, सफिशियंट कंडीशन भी। तो जो दिया था इसको हमने लिखा, समीकरण दो को उठा करके, यही समीकरण दो है, इसका वैल्यू हम लोग जीरो रख दिए, एक गया जीरो में, एक बच गया, समीकरण क्या हो गया? थ्री हो गया। जी वेक्टर टी इज क्या है? इज ऑफ कॉन्स्टेंट, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, एंड इट इज अ यूनिट वेक्टर, तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे? डॉट करवा देंगे, बराबर जीरो हो जाएगा। समीकरण थ्री और समीकरण फोर को हम लोग मिला करके देखे हैं तो ये भी जीरो में चला जा रहा है, ये भी जीरो में चला जा रहा है, इसलिए क्या होगा? डी जी वेक्टर बटा डी टी इक्वल टू जीरो। तो जी वेक्टर क्या आएगा? जब जी कांस्टेंट हो गया तो यू भी क्या आ जाएगा? तो सफिशियंट कंडीशन पे हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। देखिए आज के क्लास में हम लोग क्या करें, तीन थ्योरम पढ़े हैं, अगले क्लास में दो और थ्योरी थ्योरम है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? नंबर सात और नंबर आठ पढ़ेंगे ना। तो देखते हैं अगले क्लास में नंबर सात और आठ को।